लाडली बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। यानी कि आप सभी को बता दें, लाडली बहना आवास योजना को लेकर, लाडली बहना आवास योजना, दूसरा है लाडली बहना योजना को लेकर आठवीं किस्त का पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा, इस वीडियो को आप ध्यान से दीजिए, जिसमें आपको बताने में लाडली बहना आवास योजना का पैसा कब दिया जाएगा और बताने में लाडली बहना का आठवीं किस्त का पैसा कब दिया जाएगा, और आपको बताएंगे जो भी लोग यहाँ पे छूटे हैं लाडली बहना के लिए उसका पैसा यहाँ पे, यानी कि आप कब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको बता दें अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो हुआ, नया सीएम बन चुका है, पहले शिवराज सिंह चौहान था, अभी डॉक्टर मोहन यादव बन चुके, जो कि इस नए सीएम के साथ यहाँ पे आपको नई नई योजना को शुरुआत करने वाली, जो कि नया साल भी आ चुका है और नई नई योजना की शुरुआत करने वाले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें कौन कौन सी यहाँ पे योजना आने वाली है, और आपको पहले बताते हैं कि लाडली बहना आठवीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कब किया जाएगा। बहुत सारे के मन में ये सवाल था कि लाडली बहना योजना का आठवीं किस्त का पैसा बहुत जल्द आएगा, तो आपको बता दें यानी कि 10 तारीख को प्रत्येक महीना जो लाडली बहनों के खाते में पैसा भेजा जाता है, वो आपको 10 तारीख को यहाँ पे जनवरी, यानी कि 10 जनवरी को आपके खाते में पैसे को ट्रांसफर करेगी सरकार। ठीक है, ये आपको हो गया क्लियर। अब दूसरा बताते हैं कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर, ठीक है, तो लाडली बहना आवास योजना को लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो भी लोग अभी तक लिस्ट में नाम चेक नहीं किए हैं, तो लिस्ट में सबसे पहले आपको नाम चेक करना पड़ेगा, ठीक है, लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, नाम चेक करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे लाडली बहना आवास योजना का पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे के मन में यह सवाल था कि लाडली बहना में बहुत सारे का फॉर्म में गलत हुआ है, किसी का अकाउंट गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का कार्ड गलत है, यानी कि बहुत सारे गलत होने के बाद जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, जिसका लिस्ट में नाम होगा उसी को अभी पैसा दिया जाएगा, जिसका लिस्ट में नाम है उसका पेंडिंग में रख दिया गया, ठीक है, उसका क्या किया, पेंडिंग में रख दिया। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले लिस्ट में नाम चेक करना है। कैसे लिस्ट में नाम चेक करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पे ज्वाइन हो जाए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा, वहां से आप अपना डिस्ट्रिक्ट पंचायत सिलेक्ट करके आप अपना नाम को डाल करके लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे उसके बाद आपका टेंशन फ्री हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके खाते में पैसे यहां पे डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से आपके खाते में, शिवराज सिंह चौहान जो शुरू किया था, आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाली है। तो आप लोग फटाक से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप वहां पर ज्वाइन हुए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, वहां से आप अपना लिस्ट में नाम को चेक कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे चरण को लेकर, तो तीसरे चरण में बदलाव अभी तक आपको बता दें, इसकी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ, लेकिन पीडीएफ को जारी कर दिया गया, पीडीएफ जारी कर दिया गया कि शिविर लगेगा, जहां पर शिविर लगेगा, जो भी लोग लाडली बहना योजना जो फॉर्म को छूटे थे, मतलब जो वंचित थे, इसके लिए जिसको पैसा नहीं दिया जाता था, आप लोग वहां जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने के बाद में तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है, आप लोग जो भी छूटे हैं आप लोग वहां जाकर के शिविर में जाके यहां पे करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका नई योजना को लेकर, तो नई योजना भी दीदी योजना को चलाया गया, जो कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, दीदी योजना। ठीक है, जो कि यह मध्य प्रदेश की सरकार बहुत दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन अब यह शुरू होने वाला है, तो आपको फॉर्म अभी भराया नहीं जा रहा है, जैसे ही फॉर्म को भराया जाएगा तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग क्या किए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको सबसे पहले, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होकर, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।